वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। दोपहर 2:30 बजे होने वाले इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की कानूनी टीम अदालती उमूर पर ब्रीफिंग देगी। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का मामला, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास आज तलब। ऐवान की मंजूरी के बगैर रकम के इजरा के हुक्म का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर खजाना, वज़ीर कानून, वज़ीर तिजारत, ऑडिटर जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक को शिरकत की दावत। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। इस फितने को एक साजिश के तहत, एक प्रोपेगंडे के तहत इस फितने को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। जितना मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं, मुद्दत पूरी होने पर ही होंगे। फितने को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। औबाश टोला भी इसके साथ था। उन्होंने 4 साल में आगे बढ़ते पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। IMF से माहिदा हो गया, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला का फैसलाबाद में खिताब। अगर हमने पार्लियामेंट पर कदगन लगानी है तो आइन साजी भी खुद ही कर लें। चीफ जस्टिस इलेक्शन को अना का मसला ना बनाएं, इन्हें सबकी बात सुननी चाहिए। हुकूमत भी अपने मसाइल पार्लियामान में हल करें। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। सियासी दर्जा हरारत में कमी की कोशिशें, जमात इस्लामी की ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़। इंतखाबात की तारीख 1 पॉइंट एजेंडा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को मदऊ करने के लिए राबते शुरू। हुकूमत को अक्टूबर से कबल, जबकि PTI को मई के बाद इलेक्शन कराने पर रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। परवेज खटक, एजाज चौधरी और महमूद रशीद पर मुश्तमिल कमेटी जमात इस्लामी से बातचीत करेगी। नून लीग की जानिब से ख्वाजा साद रफीक और अय्याज सादिक को मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल। सराज उल हक साहब मुलाकात करके उन्होंने अली जैदी को उठा लिया। ये तो नहीं हो सकता कि गिरफ्तारियां भी होती जाएं, लोगों पे तशद्दुद भी किया जाए और साथ मुज़ाकरात, पहले माहौल तो बने। मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ को नाहल कराने का पूरा मंसूबा लंदन में ही बना है और वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रहा है। इधर सराज उल हक बात करने आए, उधर अली जैदी को उठा लिया गया। ये नहीं हो सकता कि गिरफ्तारियां भी हों, तशद्दुद भी होता रहे और मुज़ाकरात भी करें। बातचीत करनी है तो हुकूमत पहले माहौल बनाए। आइन में वाजे है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की सोच यही है कि जब तक ना अहली ना हो, बाज नहीं आएंगे। फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। गुज़श्ता हुकूमत ने पंजाब की तरक्की का सफ़र दानिस्ता तौर पर रोका। सूबे को 4 साल एक नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला के सुपुर्द किया गया। वज़ारत आला के मनसब को विफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। पंजाब के अवाम से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया गया। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब, शहबाज शरीफ की तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इंतखाबात के अदालती हुक्म के बाद इंपोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां तेज। PTI वोट की ताकत से जरदारी माफिया को सिंध में शिकस्त देगी। सिंध की अवाम को जरदारी ग्रुप की गुलामी से जल्द निजात दिलाएंगे। इमरान खान की खुरम शेर जमान से मुलाकात में गुफ्तगू। नाकस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान का रुपया एक साल में 100 रुपये से ज्यादा डॉलर के अगेंस्ट अपनी
कदर खो बैठा है। अगर अभी तक मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया तो उसकी सिर्फ एक और एक वजह है, और वो वजह ये है, डिफॉल्ट के बाद जो सूरत हाल पैदा होनी थी वो पहले पैदा करके डिफॉल्ट को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। मुल्क को डिफॉल्ट से ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। दिवालिया होने के बाद की सूरत हाल पहले ही पैदा कर दी गई, तो रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार, रवां साल मनफी ग्रोथ की तरफ जाएंगे, हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क पर मुसलतना अहल टोले ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। अगर इस हकदार को कुछ नहीं आता तो शौकत तरीन से ही सीख लें, ना अहल हुक्मरानों को कानून साजी का कोई हक नहीं। फजलुर रहमान की अदलिया के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी, काबिल अफसोस है, परवेज इलाही का रद्द अमल। ये जो जालसाजी, ये जो फ्रॉड कराची के साथ किया जा रहा है, इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आप बताइए कराची दुश्मनी क्यों है आप लोगों की? एहसन इकबाल साहब से मैं सवाल करता हूं, उनके मातहत के सारे काम हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कितनी मरतबा कराची आए हैं इस हवाले से? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मरदमशुमारी में तोसी की जाए, कम अज कम एक महीने की। जो तीन तीन चार चार दिन तोसी करते हैं, इसमें कुछ भी काम नहीं हो पाता। मरदमशुमारी के नाम पर कराची से फ्रॉड किसी सूरत कबूल नहीं। फ्लैट्स में जाकर लोगों को अपने अंदाजे से गिना जा रहा है, ये कराची की शहरी आबादी को कम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और एहसन इकबाल, बताएं आपकी शहर कायद से क्या दुश्मनी है? मरदमशुमारी में कम अज़ कम एक माह की तौसी की जाए, हाफिज़ नईमुर रहमान का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब ना हो सका, कानून साज असेंबली के अजलास कोरम पूरा ना होने के बायस फिर मुलतवी, तहरीक इंसाफ के किसी भी रुकन ने शिरकत ना की, पीटीआई वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला भी ना कर सकी। सत्रह करोड़ रुपए के फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को अदालत में पेश न किया जा सका, पीटीआई ने पुलिस के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी। अली जैदी को पार्टी ऑफिस से गुज़श्ता रोज पकड़ा गया था। नूर मुकदम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। गलतियों से भरपूर एफआईआर पर सजा इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है, फैसला कालेदम करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तेदा। चीनी की स्मगलिंग और जखीरा दोजी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी, वज़ीर आज़म का नाजायज मुनाफाखोरी पर शदीद बरहमी का इजहार, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त इकदामात का हुक्म, अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे, शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से मॉनिटरिंग की हिदायत। महंगाई की दुहाई, गरीब की जान पर बनाई, ईद सर पर आ गई, चीज़ें पहुंच से बाहर, किसी को कपड़ों की फिक्र, कोई जूतों के लिए परेशान, अक्सरियत का विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा। त्यौहार मनाएं या पेट की आग बुझाएं, हुकूमत बताए हम कहां जाएं, शहरियों का सवाल। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी, पुलिस की भारी हथियारों और जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मुसलसल पेशकदमी। खतरनाक नोगो एरिया कच्चा कराची और बस्ती लुठानी में ऑपरेशन के बाद पुलिस कैंप कायम, डाकू ठिकाना छोड़कर दरियाए सिंध के जजीरों में रूपोश। कराची के इलाके कुरंगी ढाई नंबर में अवाम के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक, दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे, शहरियों ने एक डाकू को पकड़ लिया, तीन मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, वाकई की मजीद तहकीकात कर रहे हैं पुलिस। में इक्तदार की जंग 60 जाने ले गई, फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के दरमियान झड़पों में शिद्दत,
600 سے زائد افراد زخمی فریقین کے ہم مقامات پر قبضے کے متضاد دعوے خرطوم ایئرپورٹ پر اقوام متحدہ اور سعودی فضائیہ کے طیارے نشانہ بن گئے فضائیہ کی لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت دبئی میں رہائشی عمارت میں آتش زدگی شعلوں کی زد میں آ کر 3 پاکستانیوں سمیت 16 افراد مارے گئے 9 زخمی ابتدائی تحقیقات کے دوران 4 منزلہ بلڈنگ میں مناسب حفاظتی انتظامات نہ ہونے کا انکشاف میکسیکو میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ مسلح شخص کی فائرنگ سوئمنگ پول میں نہانے والے 7 افراد قتل ملزم کی قریبی دکانوں میں توڑ پھوڑ سیکیورٹی کیمرے ناکارہ کر دیے ایک زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل پولیس کی تحقیقات جاری نیوزی لینڈ ٹی ٹوینٹی سیریز کا تیسرا میچ آج شیڈیول دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں رات 9 بجے آمنے سامنے ہوں گی گرین شرٹس کو 2-0 کی برتری شاہین فتوحات کی ہیٹرک کے لیے پرعزم